नॉर्मल गर्ल क्या क्या कैरी करती है अपने बैग में जब वो कहीं पे भी जाती है ना। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द फैमिली गाइज। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज मैं करने वाली हूँ व्हाट इज़ इन माय बैग। आपने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखे होंगे, आलिया के, दीपिका के, कैटरीना के, प्रियंका चोपड़ा के, जो हमेशा शो करती रहती है कि उनके बैग्स में क्या है। और गाइज आजकल क्योंकि मुझे पता है छोटे बैग्स का बहुत ही ज़्यादा फैशन है, वो बहुत ही क्लासी लगते हैं बट नो यूज़, उनका कोई यूज़ नहीं रहता क्योंकि उसमें हम अपना फ़ोन तक नहीं रख पाते। और मुझे हमेशा से ही क्रेज़ है बिग बैग्स का, और स्पेशली मुझे तब से ये क्रेज़ हुआ है जब से मैंने दीपिका के एयरपोर्ट वाले लुक देखे हैं बिग बैग्स के साथ। तो गाइज आज होने वाला है व्हाट इज़ इन माय बैग विद शिमला गर्ल प्रियंका। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि ये जो मेरे पास बैग है, आई जस्ट लव दिस बैग। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा है और ये ज़ूक ब्रांड का बैग है। और ज़्यादातर मैं ज़ूक ब्रांड के जो बैग्स है वो इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि एकदम वीगन होते हैं और इसमें किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया होता है इन बैग्स को बनाने के लिए। और गाइज ये वाला बैग तो मेरा फेवरेट है क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेशियस है ना। और ये कितना स्पेशियस है वो आपको अभी पता लग जाएगा जब इसके अंदर से मेरा पूरा घर निकलेगा। मतलब मैं जब भी कभी जाती हूँ कहीं पे, लाइक मैं रील्स बनाने जा रही हूँ या फिर मैं शॉर्ट्स बनाने जा रही हूँ या फिर मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने जा रही हूँ, तो मैं बिग बैग कैरी करती हूँ ताकि जो मेरे कंफर्टेबल की चीज़ है वो सारी की सारी मेरे पास रहे हमेशा। तो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे बैग में सबसे पहले निकला है मॉइस्चराइज़र। तो ये कोई मतलब कोई प्रमोशन नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उनकी कोई प्रमोशन हो रही है, बट नॉर्मली जो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे बार बार शॉर्ट्स बनाते हुए कुछ भी करते हुए हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा बार धोने पड़ते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मुझे केकी और ड्राई हैंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र अपने पास रखती हूँ। और उसके बाद वेट वाइप्स, मुझे लगता है ये हर कोई यूज़ करता होगा वेट वाइप्स, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी वगैरह नहीं होता है तो हम लोगों को अपने पास वेट वाइप्स चाहिए होती है। जल्दी से वाइप किया और काम ख़त्म। और माय क्यूट पर्स जो कि सभी लड़कियां कैरी करती होगी, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के जो है वीडियोस देखे होंगे व्हाट इज़ इन माय बैग। बट मेरा आज का मेन जो है ये वीडियो लाने का कि एक नॉर्मल गर्ल क्या क्या कैरी करती है अपने बैग में जब वो कहीं पे भी जाती है। ये मेरा क्यूट सा बैग है जिसके अंदर थोड़ा बहुत कैश होगा, लाइक 1000-2000 रुपये, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कैरी करती हूँ अपने साथ। उसके बाद माय मोस्ट फेवरेट चीज़, मेरी डायरी। तो गाइज़ ये मेरी एक डायरी है जिसमें मैं हर एक चीज़ लिखती हूँ, लाइक मेरे खर्चे भी कि मैंने कितना खर्च किया, और जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें रहती है ऐसी होती है कि मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स याद रखने होते हैं कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो मेरे माइंड से वो निकल जाती है। इसलिए मैं इस पर लिख के रखती हूँ हमेशा ही ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई मुझे ये वीडियोज़ बनानी है इन गानों पर, है ना। ओके तो नेक्स्ट जो मेरे बैग से निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी कैरी करते होगा अपने बैग में। तो गाइस वो है मेरी ये चिकनी चमेली मतलब मेरी चप्पल्स, मुझे नहीं लगता कोई कैरी करता होगा, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि डांस करते टाइम चप्पल वप्पल वगैरह टूट जाती है तो मैं ये कैरी करती हूँ। और गाइस ये चप्पल भी जो है वो ज़ूक ब्रांड की है और इसका मतलब इतना सॉफ्ट है ना इसका सोल कि मैं डांस वगैरह करके मेरे पाँव में कई बार छाले पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके बाद जब मैं इनको वियर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। और ये गाइस पूरा का पूरा हैंडमेड है, सी इसके ऊपर जितना भी काम हुआ ना सारा का सारा हैंडमेड है और ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, तो ईजिली आजकल बरसात के मौसम में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इनके साथ चलने में। आई जस्ट लव। ओके मेरे बैग से आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलने वाली है जो कोई और मुझे नहीं लगता कैरी करता होगा। ओके नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माय ट्राइपॉड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं होता तो मुझे अपना ट्राइपॉड फटाफट से निकाला, फ़ोन सेट किया और फटाफट से अपनी वीडियो बनाई और काम ख़त्म। ओके और नेक्स्ट है हमारे पास, ओके मेरी एक चीज़ मिसिंग है गाइस क्योंकि इसमें बॉटल रहती है मेरी, वाटर बॉटल हमेशा, बट अभी नहीं है इसमें क्योंकि जब मैं आई थी वापस तो मैंने वाटर बॉटल निकाल के साइड में रख दी थी, वो मेरे पास हमेशा रहती है क्योंकि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट ऑल्सो वन मोर पर्स, इसमें मेरे जो है थोड़ा बहुत कैश होगा, बाकी कार्ड वार्ड है इसमें मेरे सारे, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी होता है सब कुछ। ओके नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माई पावर बैंक, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो मुझे मतलब कई बार मैं घर से दूर जाती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अपना पावर बैंक साथ रखूँ ताकि अगर कभी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो मैं फ़ोन चार्ज कर सकूँ। ओके नेक्स्ट वन, माई मेडिसिन, मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेन की है गाइज, एनाल्जेसिक है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं डांस वांस करती हूँ, नंगे पैर भी करती हूँ तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, तो मुझे फटाफट से एक पेन रिलीवर चाहिए होता है ताकि मेरी पेन ठीक हो जाए ना। नेक्स्ट
पैड जो कि मुझे लगता है हर लड़की अपने साथ रखती होगी, तो कभी भी कहीं पे भी इमरजेंसी, वैसे मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ बट फिर भी कई बार ऐसा होता है अपने लिए ना सही औरों के लिए काम आता, तो एक पैड मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट मास्क, क्योंकि आई नो कोरोना नहीं है बट कई बार हम बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड जगह में जाते हैं, जैसे ज़्यादातर मुझे होता है जब हम रिज मॉल रोड जाते हैं तो लिफ्ट के पास जब लिफ्ट से जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंदर भीड़ भाड़ हो जाती है लिफ्ट में, तो मुझे मास्क लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। ओके नेक्स्ट कॉम्ब, क्योंकि जब हवा में ऐसे ऐसे लहराते हुए डांस करते तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टेंगल्ड हो जाते हैं और हल्की हल्की बारिश भी लग रही है टेंगल्ड हो जाते हैं, तो टेंगल्स को रिमूव करने के लिए हेयर ब्रश, ओके नॉट ब्रश कॉम, रबर हेयर रबर टाई करने के लिए, कैचर टाई करने के लिए, वन मोर मिनी कैचर, मुझे पूरे बाल अगर टाई नहीं करने थोड़े से करने तो ये छोटे वाला कैचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिप बाम, क्योंकि तूफान वगैरह चल पड़ता है, शिमला के मौसम का कोई पता नहीं चलता तो लिप बाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लिप्स ड्राई ना दिखें। ओके नेक्स्ट सनग्लासेस, जिनका आजकल तो कोई ज़्यादा काम है नहीं क्योंकि शिमला को बादलों ने घेर रखा है, धूप की कोई संभावना है नहीं, बट फिर भी मैं अपने साथ अपना सनग्लास ज़रूर कैरी करती हूँ। ओके नेक्स्ट माय फ़ोन चार्जर, वेरी इंपॉर्टेंट, और यस ओ शिट माय परफ्यूम्स, नाम नहीं मैं रिवील करूँगी, एक परफ्यूम दूसरा परफ्यूम, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर क्या होता है कि मैं एक परफ्यूम की फ्रेगनेंस से बोर हो जाती हूँ तो मैं दूसरा परफ्यूम यूज़ कर लेती हूँ, बट ये अब खाली होने वाले तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ माय चॉकलेट्स गाइस, क्योंकि बूस्टअप चाहिए होता है जब इतना सारा डांस वांस करना है तो बूस्टअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चॉकलेट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि अगर कभी ऐसा हो कि मुझे खाने का नहीं मिल रहा है कुछ तो मैं अपने साथ चॉकलेट रखती हूँ और फटाफट से चॉकलेट खाई और रेडी। ओके नेक्स्ट इज़ माय फोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो फ़ोन ये है क्योंकि काम लगते हैं मुझे, फ़ोन तो चाहिए होते हैं, एक की बैटरी ख़त्म हुई तो दूसरी, और एक फ़ोन उधर है जिससे वीडियो बन रही है अभी, है ना। ओके तो और नेक्स्ट 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 और ये सेकंड लास्ट इसमें ये मेरा पेन, क्योंकि डायरी थी आपने पहले देखी तो पेन तो चाहिए होगा तभी तो लिख पाऊँगी, है ना। और लास्ट वन इज़ माई ईयरपॉड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये क्योंकि जब भी ट्रैवल वगैरह करते हैं तो थके हुए होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है बस में सोना, तो मैं बस ईयरपॉड्स ऑन और सो गई अपने आराम से। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी मेरे बैग में, आई नो सभी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने बैग में सारी चीज़ें कैरी करते हैं, बस इसी वजह से मुझे बिग बैग ज़्यादा पसंद है, यू नो कितने ज़्यादा स्पेशियस है, देखूँ कितना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, ये वाली ओह उसमें और भी क्रंचेस थे, बहुत सारे क्रंचेस में मुझे याद नहीं था। ओके तो इसमें ये वाला देखो कितना सुंदर है सब कुछ, और ये वाला अगर आप किंडल या फिर छोटा लैपी वगैरह कैरी करना उसके लिए भी अलग से जगह है, और वाटर बॉटल मैं बोल रही थी वाटर बॉटल के लिए भी सी इसमें अलग से जगह है ताकि पानी वानी ना गिरे। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस जो ये बैग है, एंड आई जस्ट लव इसका काम, इस पर किया हुआ है सारा का सारा हाथ से किया हुआ काम है इसके ऊपर, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन और मुझे वैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि किसी भी एनिमल को हार्म किए बिना बनाए हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ज़ूक ब्रांड एक 100% वीगन ब्रांड है जिसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब मुझे दो प्रोडक्ट इनके अच्छे लगते हैं, एक तो स्लीपर्स फ्लैट्स जूतियाँ वगैरह जो भी होती है, और दूसरे ये बैग्स, आपने मेरे पहले भी रिव्यू देखे होंगे इसके ऊपर, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो ज़ूक का ये बैग और ज़ूक के ये ब्यूटीफुल चप्पल जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो विच इज़ YT Shimla Girl 12, तो आप इसको यूज़ करके डिस्काउंट पा सकते हो। बाकी जिसको भी ये बाय करना है वो लिंक में जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इसका, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे आपको, पर्स के स्लिंग बैग्स, ऑफिस बैग्स और दूसरे हैंड बैग्स, बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे, तो आप कोई भी मंगवा सकते हो। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक पे क्लिक करो और ज़ूक से बाय करो बैग्स और चप्पल आपकी मनपसंद वाली, और मेरा कूपन कोड ज़रूर आप यूज़ करना विच इज़ YT Shimla Girl 12, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।
अमली मुझे पता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे जो बॉयज़ मेरे ये वीडियो देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो गर्ल्स के काम की, हम क्या करेंगे। बट डोंट फॉरगेट कि 30 तारीख को आ रहा है रक्षाबंधन, तो अगर आप अपनी बहन को कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेटर कोई और ऑप्शन होगा। तो आप अपनी बहन को यदि स्लिपर्स गिफ्ट करेंगे या फिर बैग गिफ्ट करेंगे तो वो ज़रूर खुश होगी। तो बॉयज़ आपके लिए भी ये वीडियो वर्थ इट है।